स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डियर एग्रीकल्चर में। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुछ लड़के यहाँ पर रेगुलर हमारे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, खुशबू राठौड़, सोनू यादव। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो आपके यूनिट फोर्थ के अंदर दोस्तों ये दिया हुआ है ह्यूमन की फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं फिजियोलॉजी की डेफिनेशन की बात यहाँ कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो मानव उत्कों या अंगों के यांत्रिक भौतिक और जैव रासायनिक कार्यों का अध्ययन। एक बार दोस्तों जल्दी से इसे अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, मानव उत्कों या अंगों के यांत्रिक व भौतिक और जैव रासायनिक कार्यों का अध्ययन ह्यूमन फिजियोलॉजी में मानव कार्यकी में ये सम्मिलित किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो आपको बता दूं हम आज न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले न्यूट्रिशन की चर्चा आज कर लेते हैं कि क्या होता है न्यूट्रिशन। मैं हिंदी में लिख देता हूं दोस्तों, न्यूट्रिशन पोषण। तो क्या होता है पोषण, आपको बता दूं कि मानव शरीर को या जंतु अपनी वृद्धि विकास हेतु जैव क्रियाओं को चलाने हेतु पोषण ग्रहण करता है। मानव अपनी विकास क्रियाओं को मानव अपनी विकास क्रियाओं को आगे बढ़ाने हेतु पोषण का प्रयोग करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम आगे, इसे मैं रब कर रहा हूं, पोषण की परिभाषा हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी की परिभाषा हो गई। अब हम बात करेंगे कि पोषण के प्रकार क्या है दोस्तों, और दोस्तों उपापचय क्रियाओं करने हेतु पोषण की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो पोषण किस काम आता है, एक हेडिंग में लिखिए नोट बना के कि पोषण किस में काम आता है। तो एक ही उसके अंदर बात लिख लीजिए कि दोस्तों पोषण आपका काम आता है, ये आता है दोस्तों उपापचय क्रियाओं में। यहां तक आपका सिलेबस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। पोषण किसमें काम आता है, मैंने आपको बता दिया कि पोषण उपापचय क्रियाओं में काम आता है दोस्तों। अब जंतुओं में जो पोषण है, पोषण को ग्रहण करने के आधार पर उन्हें तीन भागों में बांटा गया है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। पोषण को ग्रहण करने के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है पूर्णभोजी पोषण, दूसरा आता है दोस्तों आपको मैं बता दूं सर्वाहारी, मांसाहारी भी पूर्णभोजी में सम्मिलित किया गया है प्यारे दोस्तों। ए नंबर आप लिखिए पूर्णभोजी पोषण। तो पूर्णभोजी पोषण की हम चर्चा करें तो दोस्तों पोषक पदार्थ तो पहले ग्रहण किया जाता है, क्या करते हैं ये पोषण पदार्थ को ग्रहण करते हैं, फिर इन्हें बाद में पचाया जाता है। मैं लिख देता हूं बाद में पचाया जाता है। अब इसे भी कुछ अन्य आगे भागों में दोस्तों वर्गीकृत किया गया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों इससे, इसलिए हम पहले आपसे नहीं जुड़ पाए। तो दोस्तों आपको बता दूं पूर्णभोजी के अंदर पोषण पदार्थों को ग्रहण करने के बाद इन्हें पचाया जाता है बाद में मतलब। तो इसके जो प्रकार हैं वो है प्यारे दोस्तों शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। प्यारे दोस्तों शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। प्यारे दोस्तों मांसाहारी और ये हो गया आपके सर्वाहारी। क्या हो गया? सर्वाहारी।
तो जो शाकाहारी है उसमें आपको पता है किसे सम्मिलित किया जाता है, गाय घोड़ा, यानी कि ये किसका पाचन करते हैं या किसे खाते हैं, ये पौधों पर निर्भर रहते हैं, हरी झाड़ियों पर निर्भर रहते हैं। और दोस्तों जो ये वाले हैं ये किस पे निर्भर रहते हैं दोस्तों, अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। मैं लिख देता हूं किस पे निर्भर रहते हैं, अन्य जंतुओं पर। दोस्तों अब हमें सिलेबस को एक रफ्तार देनी पड़ेगी क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अन्य जंतुओं पर मांसाहारी और सर्वाहारी की बात करूं तो दोस्तों इसमें शाकाहारी वे, ये जो मांसाहारी है इसमें आ जाएगा सर्वाहारी में शाकाहारी वे, मांसाहारी दोनों के गुण पाए जाते हैं। और दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है वो इस साइड में मैं लिख देता हूं। अब आपको ये ध्यान रखना है इसका एग्जाम्पल क्या है, मानव, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो मांसाहारी की हम बात कर रहे थे, ये मांसाहारी में मैंने आपको इसका एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं, चलो ठीक है, यहां लिखा जा रहा है शेर चीता मैं ही लिख देता हूं, और इसका मैंने आपको बता दिया शाकाहारी का। दोस्तों अब ये चीजें दोस्तों इधर भी नहीं लिखा हुआ, यहां लिख रहा हूं वापस, गाय भैंस घोड़ा इसमें इन्हें सर्वा इसमें शाकाहारी में सम्मिलित किया जाएगा प्यारे दोस्तों। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे, हमें सिलेबस को रफ्तार देनी पड़ेगी प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, अब जो अगला आ रहा है अपमार्जक आ रहा है, मर्त जो जंतुओं को खाते हैं, इसमें लिख देता हूं दोस्तों इसे रफ करके, इनके बाद ही इनके लास्ट में शाकाहारी, जैसे ये हो गया शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी और दोस्तों अपमार्जक, क्या दोस्तों अपमार्जक। अब अपमार्जक में मतलब हो गया ये मर्त पदार्थों से भोजन की प्राप्ति करते हैं, किससे करते हैं मर्त पदार्थों से। और इसके अंदर एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको चींटी 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 ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, ये तो होगी पोषण की बात, सिलेबस को रफ्तार हमें देनी पड़ेगी प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे परजीवी पोषण की हम बात यहां कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है मुझे कि कुछ विद्यार्थी रेगुलर नोट्स बना रहे हैं परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण की बात करें तो इसमें आता है बाह्य परजीवी आंतरिक परजीवी और दोस्तों एक आता है मर्तोपजीवी। क्या आता है बाह्य परजीवी। अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। अब इसका मतलब तो आप समझ गए, ये तो क्या करता है सरी, अभी मैं बता देता हूं एक मिनट दोस्तों, मैं पहले इनके नाम लिख देता हूं और लास्ट वो आपके हो जाएगा मर्तोपजीवी। क्या हो गया मर्तोपजीवी। तो दोस्तों इनको मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं, बाह्य परजीवी मतलब बाह्य नाम आ गया तो ये जो भी शरीर में प्रवेश नहीं करेगा ये बाहरी शरीर पर बाहरी रूप में रहकर या बाहरी रूप में रहकर अपने भोजन की प्राप्ति कर लेता है, यानी पोषी पदार्थ पर रहकर, और ये जो है वो पोषक के अंदर शरीर में प्रवेश कर जाता है परजीवी के रूप में और फिर दोस्तों ये इसे अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। और मर्तोपजीवी में आपको पता है दोस्तों ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये चीजें आपको लिखनी है पूरी कि बाह्य परजीवी में क्या होता है आंतरिक परजीवी में क्या होता है। अब बाह्य परजीवी को मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल आप जरूर लिख लीजिएगा, तो मैं एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं मच्छर। क्या हो गया दोस्तों बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल मच्छर। और दोस्तों आंतरिक परजीवी की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा गोलकर्मी। क्या होगा दोस्तों गोलकर्मी। और दोस्तों मर्तोपजीवी की हम बात करें यानी कि ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था कि जीवाणु। क्या होगा दोस्तों जीवाणु। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, अब ये अपना बाह्य परजीवी आंतरिक परजीवी मर्तोपजीवी यानी परजीवी पोषण की चर्चा होगी। अब कुछ नोट लिखा रहा हूं आपको, वो नोट लिख लीजिएगा प्यारे दोस्तों, नोट जरूर लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी के ऊपर वाले हिस्से में नोट को लिख लीजिएगा, पर नोट ज्यादा है दोस्तों तो इन्हें एक अलग जगह नोट बना के लिख लीजिएगा सारे नोटों को। तो एक सामान्य व्यक्ति को
एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 5 से 6 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। ये जल्दी जल्दी एक बार लिख लीजिए दोस्तों, मैं भी आपके लिए जल्दी जल्दी लिख देता हूं। अब सेकंड नोट की भी हम बात कर लेते हैं कि क्या है सेकंड नोट। 6 महीने से छोटे शिशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए, 6 महीने से। अब उसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि उसके जो 6 महीने से छोटा शिशु उसे अपने मां के दूध से पानी की पूर्ति हो जाती है। पानी नहीं पिलाए। अब बात करते हैं आगे वाले नोट की कि मानव आंत में क्या नहीं होता, चारे का पाचन नहीं होता। ये मैंने आपको 3 नोट बता दिए दोस्तों, इन नोट को थोड़ा आप ध्यान में रखना कि मानव आंत में क्या नहीं होता, चारे का पाचन नहीं होता। मानव आंत में चारे का पाचन नहीं होता है। ये एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे कि दोस्तों गर्भवती स्त्रियों के शुरुआत के 3 महीनों में फोलिक अम्ल अधिकता वाले, यानी कि दोस्तों मैं आपको ये लिख के बता देता हूं पूरी बात, ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा हो सकता है पूछा जाए कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें शुरुआती 3 महीनों में किसका भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं पूरा, गर्भवती महिलाओं को प्रथम 3 मंथ में या महीनों में दोस्तों फोलिक एसिड युक्त सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। फोलिक एसिड, ये भी एक नोट है दोस्तों, ये भी क्या है, पोषण से संबंधित नोट है। फोलिक एसिड युक्त सब्जियों का प्रयोग, दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं मैं। आज थोड़ी जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं क्योंकि सिलेबस को हमें रफ्तार देनी पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आपको ये चीज लिखनी है कि फोलिक एसिड युक्त सब्जियों का प्रयोग आपको गर्भवती महिलाओं को प्रथम 3 मंथ में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, और इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है। और दोस्तों एक चीज बता दूं कि फोलिक एसिड हरी सब्जियों में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, ये आपको लिख लेना है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये डीएनए का संश्लेषण करता है। इसलिए आपको ये क्यों पूछ ले, रीजन पूछ ले, तो ये क्या करता है, डीएनए का संश्लेषण करता है। डीएनए का क्या करता है, संश्लेषण करता है। इसलिए फोलिक एसिड क्या करता है, डीएनए का संश्लेषण करता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं मेरे दोस्तों आगे। इसे मैंने रख किया, और दोस्तों हम बात करते हैं कि चॉकलेट मानव स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है। मैं पूरी बात यहां लिख देता हूं कि ऐसा क्या होता है चॉकलेट मानव स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों आज शाम को जो टेस्ट होगा उसमें आपको जरूर आना है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा जो करंट अभी इवेंट में हुए थे कि चॉकलेट मानव स्वास्थ्य के लिए पोषण वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। ये मत समझना कि हम सिलेबस से परे हो रहे हैं, हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, निकल पाया जाता है प्यारे दोस्तों, निकल पाया जाता है। ये जल्दी से एक बार लिख लीजिएगा, क्या पाया जाता है, निकल पाया जाता है। इसलिए चॉकलेट मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, सॉरी दोस्तों मैं वापस लिख देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, निकल और ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड क्वेश्चन आपको लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि दंत मंजन में क्या पाया जाता है।
ये दोस्तों इसका आंसर आपका आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि दंत मंजन में क्या पाया जाता है। और ये भी एक क्वेश्चन के देखे दृष्टि से तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, दंत मंजन में क्या पाया जाता है। आपसे पूछे दंत मंजन में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखनी है दंत मंजन में क्या पाया जाता है, उसका आपको अच्छे से ध्यान करना है कि दंत मंजन में क्या पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मानव शरीर को प्रतिदिन आवश्यक खनिज लवणों की कितनी मात्रा चाहिए उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसे मैं रख कर रहा हूं, मानव शरीर को कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, मानव शरीर को कितने। दोस्तों एक चीज बता दूं, आज जो क्लास होगी वो 30 मिनट यानी कि आधे घंटे की रहने वाली है। इसका रीजन ये बता दूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे दोस्तों। कल से क्लास का समय वापस बढ़ा दिया जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो मानव शरीर को कितने प्रतिदिन लिख देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, कल आप दूसरे नोट्स में देखो और आपको समस्या आ जाए। मानव शरीर को प्रतिदिन कितने आवश्यकता होती है, तो मैं इन सभी को मैं लाइन से यहां लिख देता हूं। और दोस्तों मैं कह रहा हूं ये जरूर अपने कॉपी में स्टार बना के लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आने वाला है। कुछ भी कहो इसमें से एक प्रश्न आने वाला है, और जो मैंने पहले फैक्ट बताए थे उसमें से एक प्रश्न आने वाला है। और दोस्तों खनिज लवणों का विटामिन का ये 100% एक एक क्वेश्चन आरपीसी के द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और आयोडीन की चर्चा यहां कर लेते हैं। तो मैं पहले लिख देता हूं सोडियम, दूसरा मैं लिख देता हूं दोस्तों पोटेशियम, क्या पोटेशियम। और दोस्तों सोडियम पोटेशियम कैल्शियम की भी चर्चा हम यहां करेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं, लोहे के अंदर और जो लोहा है वो मेल और फीमेल में अलग अलग पाया जाता है, तो इसकी एक आपको ध्यान रखना है और स्टार बनाना है यहां पे कि मेल में जो होता है वो 25 और दोस्तों लोहा जो इसमें फीमेल में होता है 35 ग्राम होता है, ग्राम ये किसमें है ग्राम में है। तो दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं कैल्शियम इसमें ऐसा कर देता हूं मैं एक बार दोस्तों अब देखिएगा इन्हें। और अब हम कैल्शियम की बात क्या कर लेते हैं दोस्तों कि कितना कैल्शियम पाया जाता है, तो मैं कैल्शियम को ब्लैक मार्कर से यहां लिख रहा हूं 1.2 ग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है। और दोस्तों यदि पोटेशियम की बात करें तो 1 ग्राम इसमें पोटेशियम पाया जाता है। और दोस्तों यदि हम सोडियम की बात करें तो 2 से 5 ग्राम सोडियम पाया जाता है। प्यारे दोस्तों ये जो चीजें हैं इन्हें अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, कॉपी के ऊपर वाले सिरे पे लिख लीजिएगा, हर पेज पे लिख लीजिएगा, इसमें से एक प्रश्न जरूर आने वाला है। प्यारे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, एक आयोडीन की मैं बात आपको बता दूं, आयोडीन जो पाया जाता है वो उसकी भी हम यही मैं यही लिख देता हूं दोस्तों कि आयोडीन कितना पाया जाता है। आयोडीन दोस्तों आपके पाया जाता है क्योंकि मानव शरीर में हम खनिज लवणों की बात कर रहे हैं, और यदि आयोडीन को भूल गए तो दोस्तों मामला यहां खराब होने वाला है। तो आयोडीन की हम बात करें तो 20 ग्राम तक आयोडीन पाया जाता है दोस्तों। ये जो वैल्यू है बिल्कुल राइट वैल्यू है दोस्तों, मैंने आईसीएमआर की वेबसाइट से देखा था और दोस्तों आईसीएमआर की वेबसाइट से देखा था, अन्य मैंने विकिपीडिया पे देखा, ये बिल्कुल राइट है। आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों इनमें, एक बार जल्दी से इनको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे दोस्तों। फिर बढ़ते हैं आगे, क्या महंगा भोजन संतुलित आहार में होता है, ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण और आरपीएससी के द्वारा 80% चांस है दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आया था आरआरबी के अंदर, आरआरबी
आरआरबी जो रेलवे का एग्जाम होता है उसके अंदर एक पर्सन आया था। उस पर्सन की मैं बात बता दूं आपको, क्या महंगा भोजन। दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। प्लीज इधर देखिएगा, क्या सीधा सीधा ऐसे लिखा हुआ था, क्या महंगा भोजन। इस पर्सन को टेस्ट में भी दिया जाएगा, हम देखेंगे कि जो क्लास नहीं ले रहे वो इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। क्या महंगा भोजन संतुलित आहार में सम्मिलित किया जाएगा? ऑप्शन देखना दोस्तों, क्या महंगा भोजन संतुलित आहार में सम्मिलित किया जाएगा? दोस्तों आपको सब कुछ यहाँ पे पीडीएफ, वीडियो फॉर्मेट और अन्य लाइव टेस्ट आपको फ्री अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो दोस्तों इसका जरूर लाभ उठाएगा। तो इस पर्सन का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों आपसे मैं निवेदन करता हूँ, अब बढ़ते हैं आगे। क्या महंगा भोजन संतुलित आहार में सम्मिलित किया जाएगा? इसका तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और दोस्तों अब हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? मानव पाचन तंत्र की। सॉरी दोस्तों, मैंने उसके ऑप्शन आपको नहीं बताए। तो ये दोस्तों मानव पाचन तंत्र, इंग्लिश में बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों। तो ये मानव जो पाचन तंत्र है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आहार नाल की। प्यारे दोस्तों जो आहार नाल होती है उसकी हम यहां बात कर लेते हैं। तो अब हम करते हैं बात आहार नाल की। इसमें तो दोस्तों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आहार नाल की लंबाई पूछे, डायरेक्ट आपको लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 8 से 10 सेंटीमीटर लंबाई पूछे तो 8 से 10। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना, ये लाल मार्कर से मैं यहां लिख देता हूं मीटर। क्या यूनिट है? मीटर। 8 से 10 मीटर दोस्तों। मुख से मुख जो मलदार होता है दोस्तों, मैं इसे ये लिख देता हूं मुख से मल द्वार तक इसकी लंबाई होती है। ये लिख लीजिए कोष्ठक में, मुख से मलद्वार तक। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके अन्य पार्ट की। बात करें तो दोस्तों इसमें एक पार्ट आता है मुख। क्या आता है? मुख। तो हम मुख की बात करें तो दोस्तों ये जबड़ों के बीच खुलता है। इसमें लिख लीजिए, आपको पूछा जा सकता है मुख कहां खुलता है? जबड़ों के बीच खुलता है। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। और आगे वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता दूं, मुख के बाद दोस्तों प्रकोष्ठ आता है। प्रकोष्ठ का आप ध्यान रखिएगा कि प्रकोष्ठ ये संश्लेष्म जो ग्रंथि होती है दोस्तों, ये संश्लेष्म आवरण से या संश्लेष ग्रंथि के आवरण से ढका होता है। श्लेष्म ग्रंथि के आवरण से प्रकोष्ठ ढका होता है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं यही एक चीज और रह जाती है इसमें, मुख गुहा। क्या रह जाती है? मुख गुहा। तो मैं इसे यही लिख देता हूं कि मुख गुहा जो होती है इसमें दांत, जीभ वे लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसे स्टार बना दीजिएगा प्यारे दोस्तों। इसमें क्या पाई जाती है? दांत, जीभ वे लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं
और इसका जो मुख गुहा का ऊपरी भाग होता है उसे तालू कहते हैं। ये आगे वाली बात लाइन में मैं लिख दूंगा दोस्तों, आप भी लिख लीजिएगा। पाचन तंत्र की हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। मैंने बताया आपको कि जो मुख गुहा होती है उसके ऊपर के भाग को मुख गुहा के ऊपर का भाग क्या कहलाता है दोस्तों, ऊपर का भाग कहलाता है दोस्तों तालू। क्या कहलाता है? तालू। ये चीज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं हम आगे, इसे मैं कर रहा हूं रब। अब बढ़ते हैं आगे, मुख गुहा तक हमने चर्चा कर ली, तो हम दांत की जो बात करेंगे कि मनुष्य के शरीर में यानी कि मुंह में शरीर में कितने दांत की बात करें, मैं यही दांत लिख देता हूं। दांत की बात करें तो दोस्तों मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य में जबड़े कितने होते हैं? दो। तो प्रत्येक जबड़े में कितने दांत हो गए? आपको सीधा पूछे ना ये कंफ्यूज करने के लिए, यहां से एक पर्सन जरूर उठेगा और वो आपको कंफ्यूज करेगा। क्या आएगा कि प्रत्येक जबड़े में दांत की संख्या बताइए दोस्तों। ये आरपी इससे राजस्थान पुलिस के द्वारा भी पूछा गया पर्सन है कि प्रत्येक जबड़े में दांत की संख्या, तो दांत की संख्या कितनी होगी प्रत्येक जबड़े में पूछे तो दोस्तों 16 होगी। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि दोस्तों ये आठ आठ की दो पंक्तियों में लगे होते हैं, कि दांत की पंक्ति रूप बताइए, दांत का पंक्ति रूप। अब ये आपको लिखना है आठ आठ पंक्ति रूप, आठ आठ पंक्तियों में लगे होते हैं, ये चीज आपको लिखनी है। पंक्ति रूप पूछे तो आठ आठ पंक्तियों में लगे होते हैं, प्रत्येक जबड़े में पूछे, ये थोड़ा गौर करना दोस्तों, जबड़े में आपको पूछे तो 100% आपको 16 ही करना है। ऐसा नहीं आया वहां 32 ऑप्शन आएगा, और दोस्तों आपको 32 दिखते हैं आप राइट करने वाले हो, उसको राइट नहीं करना। मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि यहाँ 16 आने वाला है, राजस्थान पुलिस के द्वारा पूछा गया प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको यहाँ लाल मार्कर से अच्छे से बता दिया। पंक्ति रूप पूछे आठ आठ पंक्तियों में लगे होते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में दांत पूछे कि कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, दांत के प्रकार, तो आपसे डायरेक्ट पूछ ले दोस्तों दांत के प्रकार, तो दोस्तों पहला हो जाएगा कृतंक। क्या हो जाएगा? कृतंक। इस कर्तंग में एक चीज ध्यान रखनी है कि ये चपटे वे जो धारदार होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? चपटे होते हैं। इसे मैं ब्लैक मार्कर से यहां लिख रहा हूं, क्या होते हैं? चपटे होते हैं, चपटे वे धारदार दांत। इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन है, ये सीधा याद करने वाली चीजें हैं कि आपको सीधा पूछे कर्तंग दांत निम्न में से है, चपटे धारदार, सीधा ऑप्शन में आएगा और उसपे आपको टिक करना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, कर्तंग में मैंने बताया चपटे धारदार होते हैं, जो कार्य क्या करते हैं? कार्य आपको पूछे तो ये क्या करते हैं? खाने को काटने का कार्य करते हैं दोस्तों। दोस्तों खाने को काटने का कार्य करते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि खाने को काटने का कार्य कौन से दांत करते हैं? कर्तंग दांत करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम बी नंबर की बात कर लेते हैं कि बी नंबर दांत कौन सा है? रदनक। कौन सा? रदनक। इसी मार्कर से मैं लिख देता हूं रदनक। तो ये जो रदनक है दोस्तों ये अधिक क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? नुकीले होते हैं, ये नुकीले होते हैं। अब दूसरी चीज, इसमें कार्य आपको पूछे, इस कार्य में आप यहां स्टार बना लीजिए, स्टार बनाने के कारण जो कर्तंग का कार्य है वो अब ये महत्वपूर्ण कार्य है, ये क्या करते हैं? भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, और दोस्तों खाने का काटने का काम कर्तंग का, ये चीज ध्यान रखना, भोजन को फाड़ने का। अब बढ़ते हैं आगे अगले दांत की तरफ, हमें सिलेबस को रफ्तार तो देनी पड़ेगी दोस्तों, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अब दोस्तों अग्र चर्णक चवर्णक की बात करेंगे,
यही मैं लिख देता हूं नीचे इसी मार्कर से, क्या आता है अग्रचवर्णक, और एक दूसरा आता है दोस्तों वो आता है आपके चवर्णक। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपको मैं नुकीले बता दिए, चपटे बता दिए, तो इसमें अग्रचवर्णक में दोस्तों आपको ध्यान रखना है अग्रचवर्णक में ये मोटे होते हैं। क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? मोटे होते हैं, मोटे होते हैं, होते हैं, और ये भोजन कार्य क्या करेंगे अग्रचवर्णक चवर्णक, तो आपको कार्य पूछे तो ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य। देख लीजिएगा दोस्तों कहीं भी ये आपको मिलेगा, इतनी चीजें आपको पढ़नी है, ज्यादा डीपली नहीं जाना मैं तो कहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, लिखिएगा दांतों के प्रकार, ये आपने लिखा, अब बढ़े आगे। अब जो आगे आता है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, दंत सूत्र, और दंत सूत्र भी आपको, ये आप सोच रहे होंगे कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत वगैरह क्यों पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आर नाल से शुरू होकर मल द्वार पर समाप्त होता है, इसलिए आपको जो दांत है अमाशय है और जो ग्रसनी है मुख गुहा छोटी आंत बड़ी आंत उन सभी के बारे में आपको दोस्तों स्टडी यहां पर करनी पड़ेगी। तो मैं जो आपको कह रहा था दंत सूत्र, क्या आता है दंत सूत्र, तो दंत सूत्र की हम बात करें तो दंत जो सूत्र होता है आईसी, इसे हम यही लिख देते हैं दोस्तों नीचे आईसी, दोस्तों आईसी पी एम एम, दोस्तों ये क्या है, ये दंत सूत्र है, इसको मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, दो से किया जाता है, ये दोस्तों ये हो गया दंत सूत्र, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था दंत सूत्र, आपने पढ़ा होगा दंत सूत्र, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यदि इसको निकालते हैं तो दांतों की संख्या मल्टीप्लाई दो करते हैं, ये आपको पता है और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, ये कितनी होती है 21 23, ये कितनी हो जाएगी 21 23। अब मल्टीप्लाई दो से किया, अब इसको सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर क्या आने वाला है मैं आपको आंसर निकाल के बता देता हूं यहाँ पे, तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा 32। तो ये आपके पास हो गए दांतों की संख्या दंत सूत्र के माध्यम से। अब बढ़ते हैं आगे, अब दंत सूत्र की हमने बात की, हम बात करेंगे दोस्तों अब कल, क्यों, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों हम आपके साथ जुड़ने में लंबे समय से जुड़ने में असमर्थ है, तो दोस्तों आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको वीडियो रेगुलर हमारे पसंद आ रहे हैं और हमारे साथ आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।